नीमच में आज जिला प्रशासन के साथ खाद्य विभाग की टीम ने क्षेत्र के बड़े धनिया और अजवाइन कारोबारी पीयूष गर्ग के गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए हानिकारक सल्फर और सल्फर से पॉलिश कर रखा गया धनिया और अजवाइन को पकड़ा, जिसे लेकर टीम ने धनिया सहित अजवाइन और सल्फर के सैंपलिंग की कार्रवाई भी की और गोदाम को भी सील कर डाला। इस कार्रवाई के दौरान 2.5 टन करीब सल्फर पॉलिश किया अजवाइन और 1.5 टन करीब धनिया मिला है। इसके साथ ही सल्फर को भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि नीमच धनिया सहित अजवाइन किराना की एक बड़ी मंडी है, जहां पर बड़े पैमाने पर किराना सामग्रियों को यहां से बाहर साफ कर भेजा जाता है, लेकिन इसकी आड़ में कई कारोबारी अपने थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के साथ नीमच जिले में भी मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई चल रही है, लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों हमने तेल कारोबारी हो चाहे दूसरे कारोबारी हो, उनके यहाँ पे छापामार कार्रवाई है। देखिए, धनिया को लेकर भी जो है बड़े पैमाने पर सल्फर से धनिया को पॉलिश किया जा करके बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि काफी हार्मफुल है। आज भी जो है जिला प्रशासन की टीम ने, खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर के बगाना स्थित एक अजवाइन और धनिया के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर सल्फर उड़ाया हुआ, सल्फर से पॉलिश किया हुआ अजवाइन और धनिया यहाँ पे मिला है। आप मेरे पीछे जिस तरह के देख सकते हैं कि प्रशासन अपनी कार्रवाई यहाँ पे लगातार जारी रखे हुए है और सैंपलिंग की कार्रवाई यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 3 भट्टियां भी है मेरे पीछे आपको दिखाई देगी, जहाँ पे सल्फर उड़ाने के लिए, सल्फर के धुएं से जो है इसको पॉलिश करने के लिए अजवाइन और वो भट्टियों के अंदर जो है धनिया रखा जाता था, उसके बाद में सल्फर जब उड़ जाता था तो भट्टियों को खोल करके फिर उसको पैकिंग करके यहाँ से बाहर भेजा जाता था। कितने हार्मफुल है और किस तरह की कार्रवाई यहाँ प्रशासन कर रहा है, हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और वे उनसे जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई ये लगातार चल रही है और ये में जो है कितना हार्मफुल, अजवाइन में कितना हार्मफुल ये सल्फर हो सकता है, जिसके कारण जो है कि गंभीर बीमारियां लोगों को हो सकती है, और अब जो है प्रशासन इनको लेकर किस तरह की कार्रवाई करेगा। संजीव जी, हमारे साथ खाद्य अधिकारी संजीव जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। संजीव जी, इतना खतरनाक जो है सल्फर से पॉलिश किया हुआ है, सल्फर उड़ा करके ये जो अजवाइन और ये धनिया जो बाजार में बेचा जा रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है ये मानव शरीर के लिए? काफी घातक है। नीमच शहर जो कि बहुत बड़ी एक मंडी है, यहाँ पे अजवाइन काफी मात्रा में यहाँ पर आता है, धनिया काफी मात्रा में यहाँ पर आता है, तो लोग हल्की क्वालिटी का खरीद के और इसको उच्च क्वालिटी का बनाने के लिए जो है सल्फर का उपयोग करके इसमें चमक भी लाते हैं और उसको नाम दिया जाता है फ्यूमिगेशन का, जबकि वास्तव में उसके स्वरूप को बदला जाता है। और ये सल्फर वाला अजवाइन जब मानव शरीर के अंदर जाता है तो स्टोमक में गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियां, इंटेस्टाइन के अंदर घातक रोग और डाइजेशन सिस्टम जो है खराब होना, बच्चों के लिए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, तो इसलिए काफी खतरनाक जो है। और आज प्रशासन ने कार्रवाई करके यहाँ पे इस पर छापामार कार्रवाई करके काफी समय से ये पहले भी चला रहे थे और एक प्रकरण इनके ऊपर पूर्व में भी बन चुका है। किस तरह की कार्रवाई प्रशासन इनके ऊपर करेगा और क्या हो सकता है उनके खिलाफ? इनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत तो कार्रवाई होगी, और क्योंकि इनका सेकंड ऑफेंस है तो कलेक्टर साहब से अनुमति लेके, अगर अनुमति मिल जाती है तो इनपे FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। तो इनसे हमारे साथ खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सल्फर का पॉलिश किया हुआ जो धनिया है, अजवाइन है, वो काफी हार्मफुल है और कई तरह की बीमारियों को वो जन्म शरीर के अंदर दे सकता है और घातक बीमारियां हो सकती है। ऐसे में जो है प्रशासन अब जहां पे कार्रवाई हुई है फ्यूज ट्रेडिंग के ऊपर, इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक प्रकरण पहले भी इनका बन चुका है, ऐसे में इनके ऊपर पुलिस प्रकरण भी बन सकता है। मेरे स्विगी कैमरामैन दीपक कथावे के साथ वॉइस ऑफ पिघले श्याम गुर्जर।